اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب الله سبحانه وتعالى एक और बहुत ही ग्रैंड मुबारक वसत वाला नाम ऐसा नाम के जिसको ज़ुबान पर लाते ही एक अजब सा शूर जहनों को बेदार करता है इसमें मुबारक अलमतकबर आज हम मुताला करेंगे इसमें मुबारक अलमतकबर का और उसके साथ दो और नाम हम देखेंगे अल कबीर और जुल ल किबरियातकबर कि इसमें मुबारक को समझने के लिए अल कबीर और जुल किबरिया का मताला भी ज़रूरी है ताकि समझ आ जाए कि ये जो नाम मुबारक है अल्मतकब्र जो कि मुबालगा का सिगा है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है अल्लाह का ये मुबारक नाम एक ही मर्तबा मरतबा अल हशर में जिक्र हुआ है उन नामों के साथ के जो एक आयत के अंदर इकट्ठे ज़िक्र होते हैं अल अलमतकबर बहुत बड़ाई वाला बड़ा ही होकर रहने वाला ऐसा बर्तर और बड़ा कि बड़ाई सिर्फ़ उसी का हक़ है यही हकीक़त है और मोमिन का ईमान और यकीन भी कि अल्लाह व वाली से बढ़कर उसके आला मकाम और आजमत शान से कोई वाकिफ नहीं हो सकता उसका आला मकाम उसकी आजमत शान कैसी है वो खुद ही उसके बारे में बताता है और जितना कुछ थोड़ा इल्म इंसान को मिलता है उसकी कोशिश उस इंसानी कोशिश की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में सुई दाखिल करे तो जिस कदर पानी उसके साथ आ जाए, वही उसका हासिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ مخيط غرسة في البحر من ماءهी। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसी है, जैसे कोई समंदर के अंदर सुई डाले और उसके साथ जितना सारा पानी आ जाए सोचिए कि अगर आखिरत के मुकाबले में दुनिया इस क़दर मामूली हैसियत की है तो अल्लाह सुबहान वाल की आजमत की बनस्बत इंसान का इल उसका फहम उसका इदराक उसकी क्या हैसियत होगी एक मरतबा रसोल्ल वसलम मेम्बर पर तशरीफ़ फरमाते और ये आयत तिलावत फरमाई وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون। और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है और ये सारी जमीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाह हाथ में लिपटे हुए होंगे वो पाक और बर्तर है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुद अपनी तमजीद बयान करते हुए कहता है अनल जब्बार, अनल मुतकबर अनल मलिक अनल मुताल, मैं हूँ जब्बार मैं हूँ मुतकब्बिर मैं हूँ मलिक और मैं हूँ मुताल। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी फरमाते हैं कि इस बात को दोहराते रहे यहाँ तक कि मेंबर कांपने लगा और हमें ख़दशा हुआ कि आप वसल्लम नीचे न गिर जाएं। यह हदीस मुतफन आलई है इसम अलकबीर छः मरतबा मुख्तलिफ सूरा में जिक्र हुआ है काना कानी कबीर यकीन रखो कि अल्लाह बड़ी बुलंदी और बढ़ाई वाला है आलम्ल व शहादत कबीरमत वो पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है वो बुजुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है अब इस आयत मुबारक में इसम अलकबीर के साथ अल्माल भी आ गया अल अल्माल का मताल बाद में किया जाएगा बेजन कबीर वो हस्ती जो अपनी ज़ात सिफात, असमा और अफ़ल में और उसके अलावा भी हर शे से बड़ी है जब हम कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है अल्लाह अकबर तो किस से बड़ा किस से बड़ा है किस में बड़ा है किन खूबियों और औसाफ की वजह से वो बड़ा है क्यों बड़ा है तो याद रखिए वो अलकबीर है अपनी ज़ात में अपनी सिफात में तमाम सिफात में अपने असमा और अफ़ाल में और उसके अलावा भी कायनत में जो कुछ भी है उन सब से वो बड़ा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हक में अलकबीर का माना ये है कि वो कायनत और उसकी तमाम मौजूदात से बड़ा और अरश अजीम का मालिक है हजम और वसात में उसकी कुर्सी ज़मीन व आसमान पर हावी है कुर्सी की नस्बत आर्श के सामने ऐसे है जैसे किसी खुले मैदान में एक छल्ला रखा हो वो क़वत और ताकत में इम और हकमत और दीगर तमाम सिफात में अलकबीर है और वही है जो अलकबीर है और अल्कबरिया ये जो अलकबीर ही की एक फॉर्म है एक वजन है जिस पर अल किबरिया आता है वो भी कुरान मजीद में जिक्र हुआ है सूरा अल जासिया के अंदर वलहुल किबरिया उफिस समावाति वल अर्दी वहुवल आजीजुल हकीम जमीन और आसमानों में बढ़ाई उसी के लिए है और वही जबरदस्त और दाना है एक मरतबा एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ एक मरतबा एक आरबी रसोल्ला सल्हस की खिदमत में हाजिर हुआ आराबी से मुराद यानी देहाती आदमी उसने अर्ज किया मुझे ऐसे बोल सिखाइए जीने में कहता रहू रसो्हसलम ने फरमाया तुम कहो الله शरीक अल्लाह अकबर कबीरा كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي الحكيم اور انی الفاظ کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں بھی اتا ہے ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم وہ دہاتی کہنے لگا کہ یہ تو میرے رب کے لیے ہے میرے रसोल सल्हसम ने इशाद फरमाया तुम कहो अल्लाह मऊफिरली वरनी वह दीनी वर ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे मुझ पर रहम फरमा मुझे हिदायत नसीब फरमा और मुझे रेस्त फरमा दे अल्लाह ताला के नाम अलमतकबर और इसमें मुबारक अलकबीर जुल्कबरिया ऐसे अजीम शान नाम हैं कि जिनको बहुत ही गहराई से समझना चाहिए यह ऐसे नाम हैं कि जो इस कायनात में हर वक्त बाजगश्त होते रहते हैं इनकी सदा हर वक्त सुनाई देती है और आने वाले ज़िलहेज़ा के दिनों में तो अल्लाह ताला के नाम अलकबीर अल्कबरिया का बहुत गलगला होगा लाखों करोड़ों इंसानों की जुबानों पर यह नाम रहेगा और वो उससे अल्लाह ताला को पुकारते रहेंगे और बार बार पुकारते रहेंगे अल्लाह अकबर कबीरा, अलहमद ला कसीरा, व सुबहान व बकरला इसम अल्मिर का पहला माना। अलमतकबर अल्लाह ताला के तस्माए कमाल में से है सिर्फ और सिर्फ वही बड़ा है जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इस मुस्त के अलावा कुछ असमा सिफात ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास हैं और इन सिफाती नामों में से अर्रहमान की तरह सिर्फ अल्लाह ताला को ही जेबा है कि उसे अलमतकबर माना जाए अलमतकबर नाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है यह सिफ्त अगर अल्लाह मंसूब हो तो महमूद है कबिल तारीफ है और अगर इंसान इस सिफ्त को इख्तियार करने की कोशिश करे तो न सिर्फ मजमूम है बल्कि ऐसा इंसान सजा का मुस्तक भी हो सकता है मसलन अगर कोई बुज़दिल इंसान अपने आप को बहादुर कहलाए या कोई बख़ील अपने आप को करीम कहलाने पर इसरार करे या कोई जाहिल कहे कि मैं आलिम हूं तो उसे क्या कहा जाएगा उसके ये सब दावे उसके हक में आयब और खामी है अलबत् जो हकीकी बहादुर है उसकी बहादुरी, हकीकी करीम और सखी इंसान की सखावत और हकीकी आलम का इल्म किसी से छुपा नहीं रह सकता कि बरियाई बड़ाई रफत व बुलंदी मजद, हैबत हैबतो दबदबा बुजुर्गी और शान वाला अल्लाह ताला इन खूबियों से न सिर्फ मुतसिफ है बल्कि अपनी मखलूकात के सामने इन सिफात का मुजाहिरा करता है और उनको मुशाहिदा कराता है अलमतकबर नाम का दूसरा माना अलमतकबर वो हस्ती है जो आजमत और किबरियाई जो आजमत और किबरियाई में मुतफर्रद होने के साथ साथ मुतफर्रद से मुराद यानी वो अकेला है उस जैसी आज़मत उस जैसी किबरियाई किसी के पास भी नहीं है वो अकेला है जैसे वो अपनी जात में अकेला है इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह वह ला शरीक लहू इलाह होने में माबूद होने में वो अकेला है ऐसे ही आज़मत और किबरियाई में वो मुतफरद है वो अकेला है और जिस तरह से उसकी वहदानियत का इकरार करना और उसकी वहदानियत का एतराफ़ करना एक मोमिन के लिए ज़रूरी है ऐसे ही उसको अल अलमतकबर मानना भी लाजिम है कि अल अलमतकबर सिर्फ वो है और अगर उसको एक उसको माना जाए लेकिन उसको वह ला शरीका लहू ना माना जाए तो ये शिर्क हो जाता है इसी तरह से ये जो सिफ़ा है अल अलमतकबर ये उसके लिए ख़ास है और कोई दूसरा अगर इस सिफ़त को इख्तियार करने की कोशिश करेगा तो वो सजा का मुस्तहिक होगा और मतफरद होने के साथ साथ इस सिफा को वो सिर्फ अपनी ज़ात से वाबस्ता रखे हुए है वही तो है जो कौन कहने का इख्तियार रखता है किसी और के पास ये इख्तियार है कि कोई कौन कहे और हो जाए ऐसा नहीं होता है और कोई इस इख्तियार में उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता वही तो है जो अलमोतकबर कहलाने का हकदार है जिसके सामने सारी मखलूक कम आजिज कमजोर बेबस और मोहताज है और वही अलमोतकबर हो सकता है और अल्मतकबर कहलाने का हकदार भी हो सकता है कि जिसके सामने सब हेच हो जिसके मुकाबले में जिसके सामने सब आजिज हो, सब उसकी मखलूक हो और वो अलखालक हो और ये जो नाम है इसका ए, इजहार इसका एतराफ करवाया गया और इसका जिक्र पुराने मजीद में बज़ाहिर एक ही मरतब आया है लेकिन अहादीसी मुबारका में भी इसका जिक्र मौजूद है और कुर मजीद में जो वाक़ बयान हुए हैं उनको भी अगर ग़ौर से पढ़ें तो उसके पीछे भी अल्ला सुफ़ी व ताल नाम अलमतकबर अलकबीर जगमगाता नज़र आता है ईमान वाली निगाहें उसको वहाँ ढूंढ लेती हैं और पहचान रखने वाले दिल उसको वहाँ पहचान लेते हैं रसूल सल्हु वसलम ने, ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताली कहता है अलाइजो इज़ारी वल किबरिया उदाई फमन युनाफी वाहब तुह अजमत मेरा इजार है और किबरियाई मेरी चादर है और जो कोई इन दोनों में से एक चीज भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं इसे आजाब दूंगा मुतकबर का तीसरा माना ऐसा बादशाह जो कबरिया होने के साथ साथ अपनी किबरियाई के इस्तेमाल और इजहार पर भी मुकम्मल तौर पर कुदरत रखता है और ये इजहार कुरने मजीद में बेशुमार आयात में बेशुमार मकाम पर फैला हुआ है लाही मुल उस समावा तीवल अर्ब व माफी हिन्ना व हुआ क़दीर देखें ल की की किबरियाई का इजहार किस तरह से हो रहा है इस आयत के अंदर ला ही मुल्क हिन्ना। जमीन और आसमान और तमाम मौजूदात की बादशाही एक अल्लाह के लिए है और जो कुछ यानी उस उनके दरमियान में है सब उस एक अल्लाह के लिए है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है ये इस तरह से अल्मतकबर और ल अपनी अपनीबरियाई का अपनी बड़ाई का ऐलान कर रहा है और इस मौजू की आयात बेशुमार हैं मजीद में। जब जब भी आप ऐसी आयात पढ़ें तो गौर करें इनके ऊपर कि क्या पैगाम है और क्या तारुफ है इसके अंदर अल हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू युही मुल कदीर और जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है वही तो है जो ज़िंदगी देता है और मौत भी और वो हर चीज़ पर कादिर है ज़मीन व आसमान और हर शह पर हुकूमत करने वाला अपनी मर्जी का खुद मालिक व मुख्तार कौन है इस सवाल का जवाब हर अहले ईमान के दिल से यही निकलता है कि अल्लाह मुतकब्बिर वो अपनी ताकत और मर्जी के इस्तेमाल में काबिल तारीफ है ये जुमला बहुत अहम है वो यानी अल्लाह ताला मुतकब्बिर अपनी ताकत और मर्जी के इस्तेमाल में काबिल तारीफ है अगर कोई इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी का इस्तेमाल करे तो वो हर मामले में काबिल तारीफ़ नहीं होता है अल्लाह मुतकब्बिर अपने बंदों को तोज़ुँ और इंकसार इख्तियार करने का हुक्म देता है अल्लाह अलमतकबर उन्हें सरकशी बगावत ज्यादती और उदवान से रोकता है इंसान जब अपनी ताकत और मर्जी का बेमहाबा इस्तेमाल करे तो क्या होता है नतीजे में वो तो फ़िरौन बन जाता है अगर इंसान की गर्दन में सरिया आ जाए तो दुनिया में रसवाई और आखिरत में जहनम का ईंधन बनना उसका मुकदर बन जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिहि मिसकाल जर्रत मिन किब्र वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो अगर इंसान के दिल में तकब्बुर है या इंसान अगर मुतकब्बिर बनने की कोशिश करता है तो काबिल कबूल नहीं है बल्कि वो न सिर्फ मजमूम है बल्कि सजा का मुस्तक है इसम अलमतकबर का चौथा माना अलमतकबर ऐसा जोर आवर कि अगर कोई ताकतवर उसकी मिलकियत और कब्जा कुदरत से निकलना चाहे तो ना निकल सके ऐसा कंट्रोल ऐसी कौवत ऐसी मिलकियत कि कोई उसके कब्जे कुदरत से निकल भी नहीं सकता जिसके मुल्क में सिर्फ उसी का कानून चलता है ऐसा अजीम कि जिसकी अजमत की कोई हद ना हो वो जिसने किबरियाई के लिए वो जिसने किबरियाई को अपने लिए मखसूस कर लिया हो और ये उसी की शान है कि वो किबरियाई को अपने लिए खास रख सकता है इंसानों में से अगर कोई एक बड़ा हो तो बहुत मुमकिन है कि उसके साथ कई और भी बड़े हों लेकिन अल्लाह ताला ने को अपने लिए खास कर लिया है और इस तरह से खास कर लिया है कि एहसान और वफरान उसके हाथ में है यानी सुफहान अल्लाह वो मोहसिन भी है और वो अलगफूर भी है अलगफार भी है ऐसा बड़ा कि रोकना चाहे तो कोई दे ना सके देना चाहे तो किसी को रोकने का यारा ना हो जो हर नक्श से बुलंद और बाला है ऐसा अलमतल जो ये पसंद करता है कि उसे ही बड़ा माना जाए और उसके सामने सब आजिज होकर रहेबहान अल्लाह कैसा खूबसूरत और अजीम नाम है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने इर्शाद फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की है कि तुम ऐसा तवाज़ो और आजजी इख्तियार करो कि कोई किसी पर फख्र ना जताए और कोई किसी पर ज्यादती ना करे सुभान अल्लाह देखें ज़रा इस हदीस मुबारक में यानी इसम मुतकब्बिर हमें यह सिखा रहा है कि तुम जिस पोजीशन पर भी हो तुम जिस हैसियत में भी हो तुम जिस नेमत को भी इस्तेमाल कर रहे हो याद रखो कि ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है और तुम उसके सामने आजिज हो और उसके सामने भी और उसकी मखलूक के सामने भी आजिज ही इख्तियार करो आजिज बन के रहो किसी भी अंदाज में बड़ाई का इजहार ना करो बड़े बन के ना रहो जताओ नहीं कि मेरे पास दौलत है जताओ नहीं कि मेरे पास ताकत है जताओ नहीं कि मेरे पास स्टेटस है नीचे और तवाजो इख्तियार करो नीचे रहो आजिज रहो कोई किसी पर फखर ना जताए और जब ये कैफियत आएगी तो फिर ही ये हो सकेगा कि कोई किसी पर ज्यादती ना करे और अगर ये बात ना हुई ये समझ ना आई कि इख्तियार करना है आर्जी इख्तियार करनी है किसी पर फखर नहीं जतलाना तो फिर क्या होगा फिर लोगों के हक में इंसानों के हक में दूसरों के हक में ज्यादतियाँ होंगी आसार में एक वाक्य मिलता है फरमाता है मैं तीन लोगों से मोहब्बत करता हूं और मेरी मोहब्बत इनके लिए शदीद तर मोहब्बत करता हूं मगर नौजवान एतात करने वाला मुझे सबसे ज्यादा महबूब है तवाजो इख्तियार करने वालों को मैं महबूब रखता हूं मगर तवाजो और इंकिसार वाला मालदार मुझे सबसे ज्यादा महबूब है मैं सखी और फयाज लोगों से मोहब्बत करता हूँ मगर नादार फयाज मुझे सबसे बढ़कर महबूब है और मैं तीन तरह के लोगों से नफरत करता हूँ मैं नाफरमानों से नफरत करता हूँ मगर बूढ़े नाफरमान से मुझे शदीद नफरत है मैं तकबर करने वालों से नफरत करता हूँ मगर नादार मतकबर से मुझे शदीद नफरत है मैं बखीलों से नफ़रत करता हूँ मगर मालदार बखीर से मेरी नफ़रत शर है अब ज़रा सोचें इस हदीस कुत्सी के हवाले से कि जिन तीन लोगों से अल्लाह ताला मुहबत करते हैं हर इतात गुजार से मुहब्बत करते हैं मगर नौजवानी में इतात करने वाला अल्लाह ताला को महबूब है और तोज़ो इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करते हैं मगर मालदार जो माल होने के बावजूद इजहार नहीं करता इनकसार इख्तियार करता है अपने स्टेटस को को ऐसा बुलंद नहीं कर लेता कि वो दूसरों से मुमताज नजर आए अपने लिबास अपने रहने सहने अपनी गुफ्तगु में वो इस तरह का अंदाज इख्तियार नहीं करता कि बात बात पे लोगों को जतला रहा है कि मेरे पास ये है और ये है तो ऐसा मालदार इंकसार करने वाला अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है और इसी तरह से अल्लाह ताला सख़ी और फयाज लोगों से मोहब्बत करते हैं मगर वो के जिसके पास कम है खर्च करने के लिए फिर भी वो फयाजी से खर्च करता है वो अल्लाह ताला को महबूब है और इसी तरह से जो तीन लोग नफरत हैं उनमें बूढ़ा नाफरमान अब देखें कि जब इंसान उम्र के एक हिस्से में पहुंच जाता है जब खुद उसके आजा और कवा जवाब देने लगते हैं तो उसको समझ आ जाती है कि अब तनजुल शुरू हो चुका है ऐसे में भी अगर वो नाफरमानी से बाज़ ना आए, तो अल्लाह ताला की नज़र में वो बहुत बदतरीन शख्स है अल्लाह ताला उससे नफरत करते हैं और इसी तरह से अल्लाह ताला तकबर करने वाले से नफरत करता है मगर जो नादार हो जिसके पास कुछ नहीं फिर भी वो अकड़ता है अल्लाह तसे शदीद नफरत करते हैं चलें जिसके पास है और वो अकड़ता है या दिखाता है तो फिर भी कुछ गुंजाइश तो नहीं है लेकिन कोई रीज़न है उसके पास कि उसके पास कुछ है तो वो इजहार करता है लेकिन वो कि जिसके पास है ही कुछ नहीं फिर भी वो मतकबर बने तो अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल नफरत है और ऐसे ही अल्लाह ताला, ताला बखीलों से नफरत करता है मगर ऐसा मालदार जो बखील बन जाए अल्लाह को वो भी पसंद नहीं है और फिर सोचें इस पर कि मोतकबर इंसान जन्नत में क्यों नहीं दाखिल हो, हो हो पाएगा कि इसका जवाब बहुत सादा सा है कि किबर तो अबूदियत के मनाफी है अबूदियत क्या है अबूदियत है दरअसल अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खम कर देना उसकी गुलामी में आ जाना उसकी बंदगी इख्तियार कर लेना वबूदियत दरअसल बंदगी है तो किबर अबूदियत के है मुनाफी यानी बंदे को जेबा नहीं कि वो रब की हमसरी करे और जो इसकी रिदा और इजार को खींचने की कोशिश करेगा यानी ये उसके लिए खास है जो इसको लेने की कोशिश करेगा तो अल्लाह अल्लाहमतबर उसको तोड़ कर रख देगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है फरमाया जो शख्स एक दर्जा इनकी सारी इख्तियार करेगा अल्लाह ते एक दर्जा बुलंद कर देगा यहाँ तक के उसको इ्लीन तक पहुंचा देगा और जिसने अल्लाह के मुकाबले में एक दर्जा तकबर किया अल्लाह उसे एक दर्जा पस्त कर देगा यहाँ तक कि वो उसे असफल साफिलीन तक गिरा देगा हमारे सामने उसवा मौजूद है अलैहि वसल्लम मक्का में फातह की हैसियत से दाखिल होते हुए आरज़ी की ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि आज तक दुनिया का कोई कायद कोई लीडर ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ था ऐसे झुका हुआ था कि बार बार ऊँटने की कोहान को छू रहा था आप अलैहि वसल्लम की आजजी और आपकी तवाजो की एक और मिसाल इस वाकया में भी है कि जब एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुआ और नबूवत का जो रोब उनके ऊपर था उसकी वजह से कांपने लगा आपसे गुफ्तगु करते हुए तो ने उसको हौसला दिया और फरमाया हूँ बेमाल फरमाया घबराओ नहीं मैं कोई बादशाह नहीं हूं मैं तो कुरैश की ऐसी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती थी अल्लाह अलमतकबर अपने बारे में ऐलान करता है आलिम ग शहादती अल कबीरुल मुताल गैब और जाहिर का जानने वाला वो बड़ा है जो हर हाल में बाला रहने वाला है किसी आरिफ बिल्ला ने अल्लाह ताला से मुनाजात में दरख्वास्त की या रब्बी बीमा जकर रबु इलेक अल्लाह मैं आपका कर्ब कैसे हासिल करूं अल्लाह ताला ने उसके दिल में यह बात डाली मेरे बंदे उन सिफात के साथ मेरा कर्ब हासिल करो जो मेरे पास नहीं है बंदे ने अर्ज किया वो क्या है जो तेरे पास नहीं है अल्लाह ताला ने फरमाया इफ्तिकार आजी और मस्किनत यह मेरे पास नहीं है तकर बिल्ला का सबसे आसान और करीब तरीन दरवाजा आजजी इख्तियार करना है जो बंदा मोमिन इस दरवाजे से दाखिल होने में कामयाब हो गया उसने यकीनन नजात पा ली एक बहुत मशहूर शख्सियत गुजरे हैं जिनका नाम है मुतर्रफ बिन अब्दुल्ला। मुतर्रिन अब्दुल्ला कहते हैं अगर मैं रात सोते में गुजार दूं और सुबह इस हाल में करूं कि अपने रवैये पर नादिम हूं शर्मिंदा हूं पछतावा करूं तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं रात भर कयाम करूं और सुबह को मैं वजब और खुद पसंदी में मुबला हो जाऊं बहुत ही जबरदस्त बात है कि इंसान बाज़ात अपनी इबादात के ऊपर भी तकबर करने लगता है कि मेरी इतनी नेकियां और मैंने इस तरह से तजुद पढ़ी और मैंने ये किया और ये किया अपने ही किस्से सुनाता रहता है हालांकि अगर सोचा जाए तो है वो क्या उसकी हैसियत क्या है वो जो अपने कामयाबी के किस्से कहानियाँ सुना रहा है उसकी हैसियत तो हकीर पानी का एक कतरा है ए इंसान अपने ऊपर गौर तो कर ले कि तुम तो हकीर बूंद से पैदा हुआ तुझे ये कैसे जेब देता है कि तू अल्लाह अल खालिक के सामने मतकबर बने या उसकी कमजोर मखलूक के सामने मतकबराना रवैया इख्तियार करे तो दोनों तरफ ये मामला हो सकता है अल्लाह ताला के साथ तकबर करना और उसकी मखलूक के सामने मतकबराना रवैया इख्तियार करना उसमें अपने आप को बड़ा जानना और अपनी कामयाबी की दास्तानें सुनाना और अपनी मशहूरी के लिए कोशिश करना इंसान की मत बिराना चाल ये जो है वो उसको अपने ही घर में अपने खानदान में और माशरे में कहीं का नहीं छोड़ती और जिस माशरे में ये माहौल हो या जिस घर में यह माहौल हो कि कोई एक बड़ा बन के रहना चाहता है और हर वक्त अपनी बड़ाई जताता रहता है तो उस घर में और उस खानदान में और उस माशरे में बेचैनी होती है इंतजार होता है और अफरा तफरी फैलती है वहां सुकून नहीं होता है मतकबर की किस्मत में जहन्नुम के अलावा और कुछ नहीं है मतकबराना रवैया न सिर्फ खुद अपने आप को बल्कि इंसानियत पर भी जुल्म है उस्ताद रातब अन्नाबुलसी अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे बहुत बड़े आलम हैं और इनका ताल्लुक सीरिया से है वो कहते हैं कि सर्फ में से एक बुजुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह की कसम मैं जब भी किसी मजलिस में शरीक हुआ और समझा कि मैं हाज़रीन मजलिस में से बेहतर और मुमताज़ हूँ तो अल्लाह ने उसी मजलिस में मुझे नीचा कर दिखाया और जब कभी मैं किसी मजलिस में हाजिर हुआ और उसमें शरीक हर शख्स को अपने से अफजल समझा तो अल्लाह ताला ने उसी मजलिस में मेरा मकाम बुलंद कर दिया यहां एक बहुत ही अच्छा उसूल और कायदा बताया गया है कि इंसान इख्तियार करे। इमाम अल ग़ज़ाली फरमाते हैं मुतक़बिर अल्लाह तला जल्ला जलालो की सिफत कमाल है जो सिर्फ़ उसी के शान निशान है बंदे का तकबर इंतहाई मजमूम है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ता बंदे का मकाम और बंदगी की शान अलमतकबर के सामने इज़्ज़ो न्याज इख्तियार करना है जो सो खैरबशर के मकाम अजीम पर फाइज हैं अब ज़ाहिर है अल्लाह ने उनको जो पोजीशन दी थी वो बहुत ही बड़ी पोजीशन थी और वो बशर हैं, 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 इमामुल है, है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस सब के बावजूद देखा कि उनके पास वो उस औसाफ मौजूद हैं कि जिनकी बिना पर किसी दूसरे के सामने बड़ा बन के रहा जा सकता है कहने को तो लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले वो हदीस सुनी कि जिसमें वो किसी दूसरे इंसान को तसल्ली दिलाते हुए ये कहते हैं कि हविन आलैक और फिर अपनी पोजीशन उनके सामने रखते हैं ये नहीं कि मैं नबी हूँ ये नहीं कि मैं रसूल हूँ ये नहीं कि मैं खातम नबी हूँ ये नहीं कि मुझे तो मेराज नसीब हुई है बल्कि फरमाया मैं तो उस औरत का बेटा हूँ कि जो सूखा गोश्त खाया करती थी सुबहान अल्लाह तो किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अजीम पर फायज हैं मगर इन अल्फाज के साथ अल्लाहअम तकबर के सामने अपने फकर और आजजी का इजहार करते हैं और कई सारी दुआएं हैं आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पे गौर करें तो उस उनके अंदर भी आजजी है अनस अनसरदी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसोलम ये दुआ कसरत से मांगा करते थे अल्लाह अंत आदूदी व अंता नसीरी भी का अहूलू वभी का असूलू वभी का अल्लाह तू ही मेरा बाजू और मेरा मददगार है सुबह अल्लाह कितनी जबरदस्त ये दुआ है ए अल्लाह तू ही मेरा बाजू और मददगार है तेरी ही मदद से मैं चलता फिरता हूँ और तेरी ही मदद से मैं हमला आवर होता हूँ और तेरी ही मदद से मैं कताल करता हूँ यानी अगर मैं आम हालात में हूं तो भी तेरी ही मदद से तू ही मेरा बाजू और तू मेरा माविन और मददगार है और अगर मैं दुश्मन के मुकाबले में हूं तो तो भी तेरी ही मदद से मुझे कौत मिलती है तेरी ही मदद से मैं उनसे कताल करता हूँ तकबर की तीन अकसाम इल्म ने बताई हैं जिनमें से पहली ये है कि अल्लाह के मुकाबले में किब्र इख्तियार करना और ये भी तकबर की एक शक्ल होगी कि उसके अहकाम को नज़रअंदाज कर देना और उसकी रोकी हुई बातों को उन हुक्मों को नजरअंदाज कर देना उनको उन पर तोज्जो ही न देना मामूली जानना ये तकबर की पहली किस्म है और यह सबसे बुरा और संगीन तकबर है जो इंसान को नमरूद फिरौन हामान और कारून की सफ में ला खड़ा करता है कि अल्लाह तला के अहकाम बहुत ही अहम है और उसने जो हुक्म दिया है उस पर तवज्जो करना जरूरी है ना कि इंसान पुश्त फेर ले ना कि इंसान समझे कि अच्छा कोई बात नहीं है मुझे इस हुक्म पे अमल करने की क्या जरूरत है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए और तकबर की दूसरी किस्म है कि वसल्लम के मुकाबले में इख्तियार करना और इसमें भी बाजत मुसलमानों का किसी एक मुसलमान का तकबर जहालत या एनात उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने से रोकने का बायस बन जाता है कि अल्लाह के रसूल का कोई हुक्म आ गया लेकिन हमारी चूँकि आदत और तबीयत से और मिजाज से मैच नहीं हो रहा इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं या हमारी जो माशरत है हमारा जो मुशरे में स्टेटस है हमारे जो कस्टम्स हैं जो हमारी रसूमा हैं फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर उनसे वो हुक्म मैच नहीं हो रहा लोग क्या कहेंगे और हम उसको छोड़ देते हैं और तीसरा जो तकबर की अकसाम में से तीसरी किस्म है वो है बंदों के मुकाबले में तकबर ये तीसरी किस्म है अपने आप को बड़ा जानना दूसरे इंसानों को हकीर समझना अजब हद और हसद और रियाकारी ये करना इन सब अमराज की जड़ दरअसल तकबर है और हदीस से कु में अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकबुर किसी तरह से भी किसी भी इंसान को जेब नहीं देता और ये कह के, के तकबर तो यानि किबर जो है वो मेरा इजहार है इससे मना कर दिया गया और एक और हदीस है जो सही मुस्लिम की है उसमें रसूलुल्लाह वसल्लम ने फरमाया बहुत ही मुख्तर हदीस है बट बहुत है अल हक व गमतुन और किब्र क्या है दो अल्फाज में उसकी वजाहत कर दी किब्र हक को रद्द कर देना और लोगों को हकीर समझना है तो अब देखें हमने अभी जो तीन कैटेगरीज पढ़ी हैं तीन अकसाम पढ़ी हैं किब्र की तकबर की उसमें पहली ये है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में यानी उसके अहकाम और अलैहि सल्हलम के मुकाबले में यानी उनके अहकाम तो देखें ये हक है ना जो अल्लाह ताला ने कहा और अल्लाह के रसूल ने जो बताया अल्किबरू बतरक हक को रद्द कर देना तो जब हक सामने आए तो उसको पहचानना नहीं उसको छोड़ देना उसको रद्द कर देना और दूसरा पार्ट उसका लोगों को हकीर समझना अपने से उम्र, उम्रम मालोजाह या हसब नसब में कमतर शख्स की तरफ से की जाने वाली कोई नसीहत हो या गलती की निशानदही हो तो बाजाओत लोग बहुत गु़स्से में आ जाते हैं कि भाई उम्र में मुझसे छोटा है ये छोटा हो कि मुझे क्यों नसीहत कर रहा है इसके पास मुझसे कम इलम है लेकिन ये क्यों मेरे सामने कोई इल्मी बात कर रहा है या इस तरह से या हसब नसब के एतबार से खानदानी ख़ानदान दौलत माल स्टेटस के एतबार से भी जब कोई कम तर शख्स कोई बात कहता है तो जो शख्स इस पर गुस्से हो जाता है उसको ये पहचान लेना चाहिए कि उसके अंदर तकबर की बीमारी मौजूद है और इस बीमारी की यह बड़ी निशानी है कि किसी कम तर इंसान की तरफ से अगर नसीहत की जाए तो उस पर सीखपा हो जाए उस पर गुस्से हो जाए अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो इंसान होने के नाते अपनी असल हैसियत को पहचान ले और फिर उससे तजावज़ ना करे ये है असल काम करने वाला कि इंसान के पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं उसके पास जिस तरह से भी जिस नौयत की भी कोई नेमत है की शक्ल में हुस्न की शक्ल में दौलत की शक्ल में आराम दे घर की शक्ल में और अल्लाह ताला ने उसको लोगों के दरमियान जो इज्जत दी है उस शक्ल में जिस तरह से भी है बंदे को यह जेब नहीं देता कि वो तकबर करे बंदे को यह जेब नहीं देता कि वो बड़ा बन के रहे बंदे को यह जेब नहीं देता कि वो हर वक्त अपनी जुबान से या अपने एटीट्यूड से अपनी हरकतों से वो दूसरों को जताए कि मैं तुमसे बढ़कर हूं मैं तुमसे अफजल हूँ मैं तुमसे बेहतर हूँ बंदे का काम यह है कि वो अपनी असल हैसियत को पहचान ले और रुक जाए उन हदों पर जो उसके रब ने उसके लिए मुकरर कर दी स्टॉप बस उनसे तजावज ना करे और अल्लाह सुफान व का नाम अल मुतकब्बिर वो नाम है कि जो इंसान की तरबियत करता है उसको अपनी उसकी औकात सिखाता है उसको उसका जो मकाम और मर्तबा और जो हैसियत है उसकी पहचान कराता है और ईमान वाला जब अल्लाह ताला के नाम अल अलकबीर अल जुल् कि बरिया का तारुफ ले लेता है और ईमान वाले के लिए तो इस नाम के साथ एक बरह रास् कनेक्शन है एक ताल्लुक है वो तो दिन में कई दफ़ा अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनता भी है और अल्लाह अकबर कहता भी है सिर्फ़ हम नमाज के जो औकात हैं उसके अंदर हम देखें कि जब वो वक्त आ जाता है और जिन लोगों को अज़ान सुनना नसीब होती है तो वो दिन में कितनी दफ़ा इस नाम को बुलंद होते हुए सुनते हैं और फिर जिसको अल्लाह ताला नमाज की तौफीक देता है तो वह नमाज के दौरान कितनी दफ़ा इस नाम से मुतारफ होते हैं ये कहना कि अल्लाह अकबर ये मानना है कि अल्लाह ही है अल्लाह अकबर का इकरार करना ही उसको जुबान से अदा करना ही ये मानना है ये एतराफ करना है कि सिर्फ एक अल्लाह जो है वो बड़ा है अलम तकबर और वो बड़ा होकर रहने वाला है और उसको बड़ा माना जाए और ये सिफा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए खास है तो ये मारिफत मारफतो पहचान दरअसल मोमिन को उसका मकाम और मर्तबा और उसकी हैसियत की पहचान कराती है और ये मुबारक नाम जब समझ आ जाता है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ जाती है अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाता है अल्लाह ताला की पहचान मिलती है ऐसी के बड़ा तो सिर्फ वो है इंसान कैसे बड़ा हो सकता है अल्लाह ताला ने माशरे में लोगों को मकाम और मर्तबे दिए हैं पोजीशंस दी हैं ये उसकी देन है किसी को उसने अमीर बनाया किसी को गरीब बनाया कोई बड़े ख़ानदान से ताल्लुक रखता है तो कोई किसी कमतर ख़ानदान से ताल्लुक़ रख सकता है ऐसा होता है ऐसा होता है कि कोई कदावर है और कोई छोटे कद का है ऐसा होता है कि कोई हसीन और खूबसूरत है और कोई जो कम खूबसूरत है ऐसा होता है और हम देखते हैं ये दुनिया इसी निज़ाम पर चल रही है अल्लाह अलमतकबर चाहते तो सबको बराबर कर देते लेकिन इस ऊंच नीच के अंदर इस मकाम और मर्तबे और माल और दौलत की जो कमी बेशी और ये जो तफरीक है और ये जो तकसीम है अल्लाह व तला की बड़ी हमत के तहत है और इसी तरह ने इसी तरह से उसने इस कायनात का निज़ाम चलाया है न सिर्फ इंसानों की उसमें देख लीजिए बल्कि बाकी जितनी भी चीजें उसमें देख लीजिए कुछ चीजों को उसने बड़ा बनाया कुछ को छोटा बनाया और किस चीज, किसी चीज को किसी चीज के ताबे कर दिया और उस तरह से वो उनसे काम ले रहा है इसी तरह से इंसानों में से कोई -की बड़ी पोजीशन पे है कोई छोटी पे है कोई जो छोटी पोजीशन वाला बड़े को सर्व कर रहा है घर के निजाम में देख लें घर के अंदर कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं क्या एक घर में ये हो सकता है कि सब एक ही उम्र के लोग रहे उस घर में सब बूढ़े 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 ही हों नबे साल की उम्र के ही हो पचास साल की उम्र के ही हो बीस साल की उम्र के ही हो और अगर ऐसा हो जाए तो आप देखें कि घर घर नहीं होता फंक्शन ही नहीं होगा ऐसे तो नहीं चलता ना काम अल्लाह सुबहान तारा ने कितना खूबसूरत ये निजाम बनाया है के बड़े भी हैं जवान भी हैं छोटे भी हैं बच्चे भी हैं और हर एक की एक पोजीशन है और जिस पोजीशन, जिस मकाम और मर्तबे और जिस हैसियत पे कोई है अगर वो अपनी उस हैसियत को पहचान ले बड़ा है तो बड़ा इसलिए नहीं है घर में कि वो हर वक्त अपना रोब और अपना खौफ दूसरों पर तारी करता रहे ऐसे इसलिए तो नहीं है बड़ा बड़ा है उसकी बड़ी पोजीशन है उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है और उसे चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को समझकर पहचानकर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे बड़ापन दिखाए और अपने करने के काम करे और उससे छोटी पोजीशन में जो है उसको चाहिए कि वो अपनी पोजीशन पहचान के वो समझे कि उसने कैसे करना है तो इसी तरह से काम चलता है और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात कर दी और सिखा दिया सुबहान अल्लाह कौन सी बात है जो नहीं सिखाई कौन सी बात है जो नहीं बताई फरमाया कि जो बड़े की इज्जत नहीं करता और जो छोटे से शफक़त नहीं करता उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है तो अब ये बात समझने की है कि हर कोई अगर अपनी पोजीशन को समझ जाएगा और जिस जिस पोजीशन पर भी अल्लाह ताला ने उसको रखा है मालो दौलत में बर्तरी दी है इज्जत मरतबा में बरतरी दी है उमर में बर्तरी दी है जिस तरह से भी उसको रखा है उसमें उसको अल्लाह ताला के नाम, अल-मुताकबिर, अल-कबीर, अल अल्किबरिया से जुड़ जुड़ कर उसकी समझ और पहचान हासिल करके अपनी पोजीशन का तयन करना है कि मुझे कैसे फंक्शन करना है मुझे क्या करना है और उसने आज इख्तियार करनी है और अमली नुकात में जो पहली चीज़ है और अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है और आप जरूर इस पे सोचिएगा और इस नाम के साथ अपने अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा इस नाम को अपनी डे टू तो डे लाइफ के अंदर लेकर आइएगा जिस पोजिशन पर भी हम हैं हम देखें कि हमारी उस वक्त उस पोजिशन पर हमारी हैसियत क्या है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ना अपने रब को पहचाना ना अपने आप को पहचाना ना अपने अपने पोजीशन को अपने किरदार को अपनी जिम्मेदारी को पहचाना तो पहला नुकता ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि दूसरों के दिलों पर अपना रोब और खौफ तारी करने के लिए बड़ा बन के रहना मोतकबराना रवैया इख्तियार करना यह बहुत जरूरी है ताकि सब उस उनके नीचे रहें सब उनके कंट्रोल में रहें और ये हर जगह है यानी घर के अंदर भी जो जो पोजीशन है उसमें और घर से बाहर भी सोसाइटी के अंदर जो पोजीशंस होती हैं लोगों की उसमें भी तो लोगों का ये रवैया कि अपना रोब और खौफ तारी करने के लिए हमें मतकबर बन के रहना है ये बहुत ही ज्यादा फसाद वाला रवैया है हालांकि हकीकी अजमत तो अल्लाह अल्लाहमतकबर की मारिफत और पहचान पाकर उसके साथ जो ताल्लुक उतवार होता है उससे मिलती है इज्जत और अजमत तो उस ऐसे मिलती है ना कि जब इज्जत और अजमत वाले के साथ जुड़ जाया जाए हमने पिछले नाम अल अजीज में ये पढ़ा था कि अगर इंसान को इज्जत चाहिए तो वहां पर तो अल अजीज से ताल्लुक उसवार करना ज़रूरी है तो अगर खुशबू चाहिए तो खुशबू बेचने वाले के करीब बैठो तो खुशबू मिलेगी या अगर खरीद नहीं सके तो खुशबू आना शुरू हो जाएगी अगर खुशबू चाहिए तो भट्टी धोखने वाले के पास जाकर बैठने से तो खुशबू नहीं मिलने वाली वहां से तो कालक मिलेगी कपड़ों पे भी लग जाएगी बुदबू भी आएगी उसकी तो अगर इज्जत चाहिए तो अल्लाह अल अजीज के पास जाइए और अगर आपको बड़ा बनना है तो अल्लाह के साथ मार्फत और पहचान और ताल्लुक उस कीजिए इज्जत मिल जाएगी लोगों के दिलों में अल्लाह आपकी इज्जत और आपका मकाम डाल देगा वो आपको बड़ा समझने लग जाएंगे ना कि आप खुद और मैं खुद हम ये जतलाएं कि हम बड़े हैं तो ये आयब है कि इंसान खुद अपने आप को बड़ा बनाए लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी दूसरे के दिल में ये एहसास डाल देता है कि फला की इज्जत की जाए तो ये तो दरअसल अल्लाह सुबहानो का करम है कि उसने दूसरों के दिलों को इस तरफ माइल कर दिया अपनी जात की हकीकत पहचान कर अल्लाह ताला की अबूदियत और बंदगी इख्तियार करने में इज्जत है, और इसी से इंसान को भी बड़ाई मिलती है और यही उसको करना चाहिए और हमें ये तहरीर बार बार सुनने और पढ़ने में मिलती है मन आरा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब अपने आप को पहचान लो आज़ी इख्तियार कर लो और जिस किसी ने अपने आप को पहचान लिया उसने दरअसल अपने रब को भी पहचान लिया हमली नुकात में दूसरा नुकता यह है कि अल्लाह ताला दिलों में मुतवाज इंसान की मोहब्बत और एहतराम डाल देता है जो शख्स आजजी इख्तियार करने वाला है अल्लाह सुबहान वाली उसकी मोहब्बत को दूसरों के दिलों में डाल देता है इसलिए आजजी और इनकसार इख्तियार कीजिए और लोगों को इज्जत दीजिए लोगों के साथ एहतराम से पेश आइए जब हम दूसरों को इज़्ज़त देंगे जब हम दूसरों का एहतराम करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि जवाबन कोई हमें इज्जत ना दे इल्ला ये कि कोई इंसान बिल्कुल ही आहमक है और उसकी जहनी हालत ही सही नहीं है एक छोटे से बच्चे को आप एहतराम से बुलाइए एहतराम दे के देखिए जवाबन वो आपको एहतराम देगा वो एहतराम और इज्ज़त की जुबान समझता है छोटा बच्चा भी अब्दल इब्न अब्बास रदी अल्लाह फरमाते हैं कि किसी इंसान का ये एहसास कि वो दूसरों से अफजल और बरतर है उसे गिरा देने के लिए काफ़ी है आला हसब नसब मालो जमाल और औरवत और ताक़त की बुनियाद पर दूसरों को हकीर समझना छोड़ दीजिए यह तीसरा नुक्ता है मैं फिर दोहराती हूँ तीसरा नुकता ये है कि आला हसब नसब मालो जमाल और कुत और ताकत की बुनियाद पर दूसरों को हकीर समझना छोड़ दीजिए और चौथा नुकता ये है कि तकबुर से पैदा होने वाली बीमारियों को पहचान कर उनके इलाज की फौरी कोशिश करना जरूरी है कहीं ऐसा ना हो कि तकबर किसी भी अंदाज में दिल में आ गया और फिर अगर उसका इलाज ना किया तो इस बीमारी की जड़ें गहरी हो जाएंगी तो तकबर की किबर की जड़ें गहरी ना होने दीजिए उसको पहचानिए और उसको उखाड़ फेंकिए और इसमें जल्दी कीजिए और अगला नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म हासिल किया दिया है उसके फजल से हमने जो इल्म हासिल किया है वो हासिल करने के बाद अपने आप को अक्ल कुल या आमिल मुक, आले मुकम्मल न समझिए की मजलिस में बैठना दूसरों के इल्म से इस्तेफादा करना ये जरूरी है और इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है और इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम उम्र में बड़े हो गए अब हम क्या इल्म हासिल करें दरअसल ये तोज़ो और आजजी है कि इंसान बड़ी उम्र में भी वो कहे कि मुझे नहीं आता और मैं सीखना चाहता हूँ और अगला एक नुक्ता यह है कि जब किसी मजलिस में शरीक हो तो जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाइए अपने आप को दूसरों से बेहतर या बड़ी नशिस्त का मुस्तक न समझिए कि मुझे ख़ास ही कुर्सी मिले या मुझे खास ही जगह मिले या मेरे लिए कोई उठे और उठ के जगह बनाए कोई अगर इज्जत देता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाल दिया लेकिन अपने दिल में इस एहसास को नहीं रखना चाहिए कि कोई मेरे लिए ये करे जहाँ जगह मिलती है बैठ जाइए नफ्स की तरबियत के लिए यह भी ज़रूरी है कि न सिर्फ गुराबा और मसाकिन को खाना खिला दिया जाए बल्कि उनके साथ बैठकर खाना खाइए घर में अगर कोई मुलाजम काम करने वाला है कोई मेड है उसके साथ बैठ के खाना खाइए और गुराबा और मसाकिन के साथ बैठ कर खाना खाइए और अगर किसी ने ये काम कर लिया तो काफी हद तक उसने अपनी तरबियत कर ली ये बहुत ही अहम एक टिप है जो बजाहिर कहने को आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है हम तो मैं सोचती हूँ कुर्बानी की रूह जो है उसको भी बात नहीं पहुंच पाते हम बस कहीं दूर कुर्बानी कर दी और हमने समझा कि नेकी समेट ली है बिलाशुबा अजर मौजूद है लेकिन गुराबा के साथ बैठना मसाकिन के साथ उनके मसाइल को सुनना उनके साथ बैठकर खाना खाना ये बहुत अहम टिप्स हैं कि जिसके करने से तकबर की बीमारी से दूर रहा जा सकता है एक और नुकता दूसरों के काम आइए सलाम करने में पहल कीजिए अच्छा यहाँ पर एक अहम बात यह है कि सलाम करने में पहल कीजिए जहाँ तो हालात अच्छे हैं वहाँ पर तो सब ठीक है खुशी खुशी हम कहेंगे कि बड़ी नेकियाँ कमा रहे हैं सलाम में पहल कर रहे हैं लेकिन जहाँ कहीं हालात ख़राब हैं किसी के साथ ताल्लुक ख़राब हैं और कोई हमारे सामने आ गया अब हमारा दिल नहीं चाह रहा उसको सलाम करने में अब हम क्या करें तो हमें बताया जा रहा है कि सलाम करने में पहल कीजिए और एक और काम अपने ी काम ख़ुद करने की आदत डालिए और एक और काम करने का है वो ये कि अगर हमारे मुलाजमीन में से कोई कोई मुलाजिम कोई मेड कोई सर्वेंट हमारी ख़िदमत करता है तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए अगरचे उन्होंने अपनी ड्यूटी की है लेकिन उनका शुक्रिया अदा करने से भी इंसान के अंदर तवाज़ो आती है इंसान के अंदर तवाजों का वस्फ पैदा होता है मन तो रफल जो अल्लाह के लिए इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको एलिवेट करता है उसको बुलंद करता है तो ये तो इख्तियार करना दरअसल अल्लाह ताला के नाम अल अलमतकबर से जुड़ने के लिए है उसके बड़े होने का एतराफ़ है कि बड़ा तो वो है मैं तो बड़ी नहीं हूं तो इस तरह से जब उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा तो दिल में तवाजों का वस पैदा होगा और उनके दिल में इज्जत आएगी याद रखिए बड़ी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह सुबहान व तम की है अपनी कमज़ोरियों और अपनी नातवानी और अपने बार बार गलती का या गलती हो जाने की जो एक कमज़ोरी है इंसान के अंदर उसको भी अपने जहन में रखा जाए कि मैं खताकार हूँ मैं चाहती हूँ गलती ना हो लेकिन हो जाती है तो अल्लाह ताला के साथ जुड़िए हकीकत यह है कि इंसान के जिस्म में दौड़ने वाले खून की सिर्फ एक बूंद अगर उसके दिमाग की शरियान में जम जाए तो उसके पूरे जिस्म को मफलूज और अपाहज बना देने के लिए काफ़ी है सिर्फ एक कतरा खून का अगर जम जाए दिमाग में और बाकी सब कुछ सही चल रहा है लेकिन सिर्फ एक कतरा खून अगर दिमाग की किसी शरियन में जम जाए तो इंसान को मफलूज बना देने के लिए काफी हो जाता है तो फिर किस बात का ज़ोम है सोचे इंसान क्या हैसियत है उसकी चलता फिरता भागता दौड़ता इंसान कोई तकलीफ आ जाती है तो फौरन बिस्तर पे पड़ जाता है जब भी बंदे को अपने अंदर किबर के असरा महसूस हों तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स पर सख्ती करे और ऐसे अमाल किए जाएं कि जो नफ्स पर ग्रा होते हैं जिनको करने में तकलीफ़ होती है ताकि असलाह हो सके और आखिरी नुक़ ये है कि अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ और अलकबीर के सामने छोटा बनकर रहना ही इंसान को अजमत बड़ाई और शर्फ और इज्जत अदा करता है अल्लाह ताला हम सबको अलमतकबर अल्कबीरकबरिया नाम का तारफ़ नसीब फ़रमाए और उससे जुड़ने वाला बनाए और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए हमारे आमाल की असलाह फरमाए और हमें इख्तियार करने की तोफ़ी दे और अल्लाह ताला हमारे दर्जात को अपनी निगाह में बुलंद कर ले अपनी निगाह में हमें बुलंद कर ले आमीन सुबह नमदी का अंता نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته